मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों की बीजेपी दौड़ के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों को पार्टी में रहने की शपथ दिलाई और कहा कि हौसला बनाए रखिए, कांग्रेस ने 1977 का दौर भी देखा है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता जाने और राजस्थान में मौजूदा सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बीजेपी दौड़ ने कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों में विधानसभा उपचुनाव भी है, ऐसे में कांग्रेस ने अपने विधायकों को पार्टी में बनाए रखने की कवायद शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई और पार्टी विधायकों को शपथ दिलवाई है। उन्होंने विधायकों से कांग्रेस पार्टी में ही रहने की शपथ ली है कि वादा करो हमेशा कांग्रेस पार्टी में ही रहोगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों से कहा कि अब कोई भी पार्टी से नहीं टूटेगा, पूरी शिद्दत से कांग्रेस सरकार की वापसी में एकजुटता से सारे विधायक जुटेंगे, सभी को कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्रावली है उसमें सभ्यता मर्यादा लोकतंत्र के अच्छे पहलू की कोई जगह नहीं है। विधायकों को खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र को कलंकित करने का जो पूरे देश में महाचलन इस भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उसके विधायक और मंत्रियों से सभ्य भाषा का कैसे प्रदेश की जनता आस करे। उपचुनाव से पहले कांग्रेस खेमे के विधायक पाला बदल रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर प्रद्युम्न सिंह लोधी और सुमित्रा काजडेकर ने भाजपा की सदस्यता ली है। विधायकों के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई, इसमें विधायकों की मन की थाह लेने की कोशिश की गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। पूर्व सीएम ने विधायकों से कहा कि भाजपा के छलावे में मत आना, भाजपा के पद और पैसे के लालच में किसी को नहीं आना चाहिए। कांग्रेस विधायकों से संपर्क करने वाले सभी भाजपा नेताओं के नाम उजागर करेगी। 15 साल की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो ये गलतफहमी मत रहे कि वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत ताकतवर है और वो चुनकर आ गए। जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, इसलिए उन पर विश्वास करके एक अच्छी सरकार चलाने के लिए 15 साल के लंबे अंतराल के बाद उनको चुनकर दे गए। बता दें कि सिंधिया खेमे के विधायकों के दल बदल कर कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद ये सिलसिला थमा नहीं है। पहले बड़ा मलहरा से विधायक प्रद्युम्न लोधी और फिर नेपा नगर विधायक सुमित्रा काजडेकर के बीजेपी में जाने से कांग्रेस में घबराहट का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।